Bismillahirrahmanirrahim, dear students, assalamu alaikum. I am Faisal and today we will discuss orthodontic diagnosis. In previous session mein humne discuss kiya tha orthodontic diagnosis part 1 jisme humne orthodontic diagnosis ke bare mein iske alawa diagnosis ke liye jo different aids use hote hain jisme essential aids, supplementary aids jitni bhi the supplemental aids wo discuss kiye gaye the और साथ साथ हमने एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन पे फोकस किया था. इन दिस सेशन इसमें हम टोटली फोकस करेंगे एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन पे और फोटोग्राफ्स पे एंड रेडियोग्राफ्स पे. इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन, इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन मींस कि आपके पास जितनी भी इंट्रा ओरल स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो जेंजिवा हो गया, पैलेट हो गया, टंग हो गया, टीथ हो गई, इस सारे को हम एग्जामिन करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाई वन. सो आते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द टंग की तरफ. एबनॉर्मेलिटीज ऑफ टंग कैन अपसेट द मसल्स इक्विलिब्रियम विच कैन लीड टू मालोक्लूजन. अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटीज टंग में हो और उसका इफेक्ट आ जाए मसल्स पे या मसल्स की बैलेंस पे, तो वो इम्बैलेंस पर जाके मालोक्लूजन काज कर सकता है. कहा जाता है कि अगर पेशेंट की जो टंग है वो नोज से पहुंचती है तो इट्स हैड टू बी अ लार्ज टंग. यहाँ पर लॉन्ग नोज लिखा है मगर ये टंग है. द लिंगुअल फ्रीनम शुड बी एग्जामिन फॉर टंग टाई. लिंगुअल फ्रीनम को भी आपने प्रॉपर एग्जामिन करना होगा. इसकी लिंगुअल फ्रीनम के बारे में डिटेल्स नेक्स्ट कंसेक्टिव स्लाइड्स में आ जाएंगी, तो डिस्कस करेंगे आपके साथ. एग्जामिनेशन ऑफ द पैलेट. पैलेट शुड बी एग्जामिन फॉर द फॉलोइंग फाइंडिंग्स. डुलिकोफेशियल पेशेंट हैव अ डीप पैलेट. डुलिकोफेशियल पेशेंट अगर हो तो उसमें ये पैलेट डीप होता है. प्रेजेंस ऑफ स्वेलिंग इन द पैलेट उसको ऑब्जर्व करना होगा. म्यूकोजल अल्सरेशन एंड आइडेंटेशन आर फीचर्स ऑफ ट्रामेटिक डीप बाइट. म्यूकोजल अल्सरेशन भी देखना होगा. अगर डीप बाइट है तो डेफिनेटली आपके पास जो जेंजिवा होगा या म्यूकोजा होगा वो इफेक्ट होगा. प्रेजेंस ऑफ क्लिप्ड इन द पैलेट. द थर्ड रुगाई इज यूजुअली इन लाइन विद कैनाइंस. दिस इज यूजफुल इन द असेसमेंट ऑफ मैक्सिलरी एंटीरियर प्रोक्रैनेशन. अगर आप थर्ड रुगाई की तरफ देख लें नियर द कैनाइंस अगर वो हो तो ये एक फाइंडिंग्स है या असेसमेंट है कि मैक्सिलरी एंटीरियर प्रोक्रैनेशन इसमें हो गई है. एग्जामिनेशन ऑफ द जेंजिवा. जेंजिवा शुड बी एग्जामिन्ड फॉर inflammation, recession, mucogingival lesions, poor oral hygiene which is associated with the anterior marginal gingivitis. Anterior gingivitis common in mouth breathers due to dryness of mouth caused by open lip postures. Agar hypertonic lip ho ya open bite ho to aisi condition mein bhi aapke paas anterior gingivitis ke chances hote hain. So gingiva ko agar hum observe karenge to ye sari findings hum ya ye sari ये चीज़ें हम उसमें एग्जामिन करेंगे, देखेंगे इन्फ्लेमेशन है, रिसेशन है, म्यूकोजिंजिवल लीजन है या कोई और जिंजिवाइटिस वगैरह तो नहीं हो गई है, जनरलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है. एग्जामिनेशन ऑफ फ्रीनल अटैचमेंट. द मैक्सिलरी लेबियल फ्रीनम समटाइम्स बी थिन फाइबर्स एंड अटैच रिलेटिवली लो. इसकी अटैचमेंट लो होती है क्योंकि आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं. दिस मे लीड टू मिड लाइन डायस्टेमा. अब देखिए अगर आपके पास कोई जो फ्रीनल अटैचमेंट है वो एबनॉर्मल हो तो वो मिडलाइन डायस्टेमा काज कर सकता है. एबनॉर्मल फ्रीनल अटैचमेंट आर डायग्नोज बाय ब्लिंक टेस्ट. ब्लिंक टेस्ट का मतलब ये है कि आप अपर लिप को अपवर्ड कर ले पहले, फिर स्ट्रेच कर ले, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आया इसकी वजह से ये जो आपके पास मिडलाइन डायस्टेमा ये इसकी वजह से काज हो गया या कोई और रीजंस है. सो मिडलाइन डायस्टेमा के बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि इसकी अदर रीजंस भी है, अदर रीजंस भी है जो कि काज करते हैं मिडलाइन डायस्टेमा, बट इट मे बी कि ये फ्रीनल अटैचमेंट की वजह से भी हो सकता है. एग्जामिनेशन ऑफ टॉन्सिल्स एंड एडेनोइड्स. एबनॉर्मली इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स काज अल्ट्रेशन इन द टंग एंड जॉ पोस्चर, thereby upsetting the orofacial balance leading to malocclusion. अगर आपके पास tonsil inflammation हो गई हो तो जिसकी वजह इसका भी effect tongue पे आता है और इसके results में फिर muscles disturb होता है और muscle equilibrium जब disturb होता है तो malocclusion cause करता है. Assessment of dentition. Dental system is examined for teeth present in the oral cavity, teeth erupted, missing teeth. टीथ इरप्टेड एंड नॉट इरप्टेड, अगर उसकी इरप्शन हो गई नहीं हो गई है. प्रेजेंस ऑफ कैरीज, रिस्टोरेशन, मालोक्लूजन, हाइपोप्लेजिया, वेयर एंड डिसलोकेशंस.
अगर कोई ये एबनॉर्मेलिटीज़ अगर कोई ऐसी इसमें रिस्टोरेशन हो गई हो या कोई भी चीज़, तो उसको भी प्रॉपरली रिकॉर्ड करना होगा, चेक फॉर द अक्लूजन बेस्ड ऑन एंगल क्लास 1, 2 एंड 3। तो अक्लूजन को भी आपने जो एंगल क्लासिफिकेशन के मुताबिक है उसको आपने नोट करना होगा, चेक करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड ओवर बाय ओवर जेट, ओवर बाइट, क्रॉस बाइट्स, इंडिविजुअल टूथ इरेगुलरिटीज़ जैसे कि रोटेशन, डिस्प्लेसमेंट, इंट्रूजन, एक्सट्रूजन। चेक आर्च फॉर्म, आर्च फॉर्म देख ले, वी शेप है, यू शेप है, स्क्वायर है, नैरो है, वाइड है, ये सारी चीज़ें आपने ओरिएंटेशन में देखनी होगी। और फिर आते हैं फंक्शनल एग्जामिनेशन। इट इज़ नाउ एस्टेब्लिश डेट नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्टोमेटोगनेटिक सिस्टम प्रमोट्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर फेशियल कॉम्प्लेक्स। द फंक्शनल एग्जामिनेशन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। इन सारी चीज़ों को हमने फंक्शनल एग्जामिनेशन में देखना होगा। असेसमेंट ऑफ पोस्टल रिस्ट पोजिशन एंड इंटर अक्लूजल स्पेस, मीन्स कि आपने रिस्ट पोजिशन में इंटर अक्लूजल स्पेस को भी डिटरमाइन करना होगा, उसको भी असेस करना होगा। पाथ ऑफ क्लोजर को देखना होगा, असेसमेंट ऑफ द रिस्पायरेशन देखनी होगी, असेसमेंट ऑफ द टीमजे करनी होगी, एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्विंग एंड स्पीच ये भी करनी होगी। ये सारी चीज़ें फंक्शनल एग्जामिनेशन में आती हैं। फंक्शनल एग्जामिनेशन इज द पार्ट ऑफ द ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस जो कि इंपॉर्टेंट होती है। असेसमेंट ऑफ पोस्टल रिस्ट पोजिशन एंड इंटर अक्लूजल क्लियरेंस। द पोस्टल रिस्ट पोजिशन ऑफ द मैंडिबल एट विच मसल्स दैट क्लोज द जॉ एंड दैट ओपन्स दिम आर इन स्टेट ऑफ मिनिमल कॉन्ट्रेक्शन टू मेंटेन द पोस्टल ऑफ द मैंडिबल। अगर आपने पोस्टल ऑफ द मैंडिबल को डिटरमाइन करना है तो आपके पास वो मसल्स, मैंडिबुलर मसल्स जो कि जॉ को क्लोज करता है और जॉ को ओपन करता है, वो भी मिनिमल कॉन्ट्रेक्शन में हो या रिस्ट पोजिशन में हो, तो तभी आप असेस कर सकते हैं। एट पोस्टल पोजिशन, रिस्ट पोजिशन जो कि हमने ऊपर लाइन में डिस्कस किया, अ स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द अपर एंड लोअर जॉज। तो फिर एक स्पेस एग्जिस्ट करती है अपर जॉ में और लोअर जॉ में। जब आपके पास पोस्टल रिस्ट पोजिशन हो तो ऐसी पोस्टल रिस्ट पोजिशन में भी एक स्पेस एग्जिस्ट करती है अपर एंड लोअर जॉ में, उस स्पेस को हम फ्री वे स्पेस कहते हैं। और ये फ्री वे स्पेस 3 mm तक होता है इन द कैनाइन रीजन, ये नॉर्मल होगा, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज पॉसिबल है और उसी इंक्रीज डिक्रीज को फाइंड करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। मेथड्स यूज टू रिकॉर्ड द पोस्टल रिस्ट पोजिशन। फिर एक है हमारे पास पोनेटिक मेथड कि हम किस तरह हम पोस्टल रिस्ट पोजिशन को असिस कर सकते हैं, ठीक है। द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिपीट सम कॉन्सनेंट्स लाइक MRC आर रिपीट वर्ड्स लाइक मिसिसिपी। पेशेंट को बताया जाता है कि इस तरह के वर्ड्स आप प्रोनाउंस कर ले। द मैंडिबल रिटर्न्स टू पोस्टल रिस्ट पोजिशन 1 to 2 seconds आफ्टर द एक्सरसाइज। जब आप पेशेंट पर यह एक्सरसाइज करते हैं तो विद इन 1 to 2 seconds वो अपने पोस्टल पोजिशन में आ जाता है। द पेशेंट इज टोल्ड नॉट टू चेंज द जॉ, लिप्स आर टंग पोजिशन आफ्टर पोनेशन एज द डेंटिस्ट पार्ट्स द लिप्स द स्टडी टू स्टडी इंटर अक्लूजल स्पेस। अगर आपने इंटर अक्लूजल स्पेस देखना होगा तो जो भी जब जब भी पेशेंट पोनेशन करते हैं डिफरेंट कॉन्सनेंट्स हो या कोई वर्ड ऐसे वर्ड्स हो, तो एक एक उसमें तो जब रिस्ट पोजिशन में आएगा, पोस्टल रिस्ट पोजिशन में, तो 1 to 2 seconds में वो अपनी पोजिशन में आ जाएगा। फिर उसी दौरान पेशेंट को आप कहें कि आप टंग पोजिशन को, जॉ पोजिशन को, रिस्ट पोजिशन को बिल्कुल ना चेंज करें, जिस पोजिशन रिस्ट पोजिशन पे आ गया उसको इसी तरह रहने दें और फिर आप इंटर अक्लूजल स्पेस को मेजर कर ले और असिस कर ले। कमांड्स मेथड, कमांड मेथड, द पेशेंट इज आस्क्ड फॉर टू परफॉर्म सर्टन फंक्शन सच एज सॉल्विंग। अब ये सॉल्विंग भी कर सकते हैं। द मैंडिबल टेंड्स टू रिटर्न टू रिस्ट पोजिशन फॉलोइंग द दिस एक्ट। तो सॉल्विंग के बाद भी आप उस पर रिस्ट पोजिशन पे, या वो पोनेशन के जरिए हो या सॉल्विंग के जरिए हो, तो उसके जरिए भी आप उसको रिस्ट पोजिशन में ला सकते हैं। नॉन कमांड मेथड क्या है? द पेशेंट इज ऑब्जर्व एज ही स्पीक्स आर सॉल्व्स। द पेशेंट इज नो अवेयर दैट ही इज बींग एग्जामिन। आपने पेशेंट को नहीं बताना कि आप मैं आपको एग्जामिन कर रहा हूँ। कमांड मेथड में आप उसको बताते हैं, या पोनेशन में आप उसको बताते हैं कि आप ये प्रोनाउंस कर ले या आप सॉल्विंग करें, तो आप उसको फिर बाद में जाके उसको रिस्ट पोजिशन मिला के आप स्पेस अक्लूजल स्पेस को मेजर करते हैं या असिस करते हैं।
नान कमांड मेथड में आप पेशेंट को नहीं बताते, आप बिल्कुल लाइक पेशेंट अवेयर ही नहीं है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, वो सॉल्विंग कर रहे हैं और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस इज यूजुअली बीइंग कैरीड आउट बाय थिंकिंग अबाउट टॉपिक्स अनरिलेटेड टू द पेशेंट व्हाइल केयरफुली ऑब्जर्विंग हिम आर नॉट। अब पेशेंट से वही चीज़ें जनरली पूछते हैं जैसे कि डिस्कशन होती है, तो डिस्कशन में आप वो चीज़ें पूछते हैं जो कि पेशेंट के साथ फेमिलियर नहीं होती, अनरिलेटेड चीज़ें होती है, और उसी दौरान फिर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर आर असेस करते हैं। तो ये नॉन कमांड मेथड हो जाता है। मेथड टू मेजर इंटर अक्लूजल क्लियरेंस। इंटर अक्लूजल क्लियरेंस एक तो हमने वो बात भी करी, एक आप वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर कैन बी यूज डायरेक्टली इन द पेशेंट माउथ, इन द कैनाइन आर इंसाइजल रिजिड टू मेजर फ्री वे स्पेस, जो फ्री वे स्पेस था जो कि कैनाइन के दरमियान आता है या अपर एंड लोअर जा के दरमियान आते हैं, फ्री वे स्पेस जो कि रिस्ट पोजिशन पे जो स्पेस होते हैं अपर लोअर आर्च में, उसको जो कि एक इंट्राओरल मेथड है जिसमें हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं और फ्री वे स्पेस को एट रिस्ट पोजिशन पे हम मेजर करते हैं। तो एक ये भी मेथड है जिस वर्नियर कैलिपर्स जिसके जरिए हम मेजर करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ पाथ ऑफ क्लोजर। द पाथ ऑफ क्लोजर असल में बेसिकली पाथ ऑफ क्लोजर क्या है? द पाथ ऑफ क्लोजर इज द मूवमेंट ऑफ मैंडिबल फ्रॉम द रिस्ट पोजिशन टू हैबिचुअल अक्लूजन। क्योंकि आप रिस्ट पोजिशन पे होते हैं तो कुछ हैबिचुअल अक्लूजन भी होती है, हैबिट्स भी होती है साथ साथ एसोसिएटेड। अब उसमें से या तो वो फॉरवर्ड पाथ होगा या बैकवर्ड पाथ होगा या लेटरल होगा, मीन्स कि आप या तो मैंडिबल को फॉरवर्ड ले जाते हैं, बैक ले जाते हैं या लेटरल साइड पे एक्सकर्शन करते हैं। तो फॉरवर्ड पाथ ऑफ क्लोजर कहते हैं कि इट इज द मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल एट रिस्ट पोजिशन। अब उस रिस्ट पोजिशन से हैबिचुअल अक्लूजन की तरफ जब जाता है तो वो तीन किस्म के, एक फॉरवर्ड पाथ ऑफ क्लोजर है। अ फॉरवर्ड पाथ ऑफ क्लोजर अकर्स इन पेशेंट विद माइल्ड स्केलेटल एंड प्री नॉर्मेलसी आर एच टू एच इंसाइजर कॉन्टेक्ट। इन सच पेशेंट द मैंडिबल इज गाइडेड टू मोर फॉरवर्ड पोजिशन टू अलाउ द मैंडिबल इंसाइजर टू गो लेबियल टू द अपर इंसाइजर। क्योंकि हम फॉरवर्ड पाथ की बात कर रहे हैं, जैसे कि क्लास थ्री में फॉरवर्ड ही जाते हैं आपके टीथ, लेबियल जाते हैं टू द अपर इंसाइजर। सेम लाइक एक इसमें इस तरह गाइड होता है कि फॉरवर्ड पाथ होता है, ये हैबिट होता है ना, जब भी बात करते हैं तो मैक्सिला सॉरी मैंडिबल फॉरवर्ड की तरफ चला जाता है, उसकी बात हो रही। बैकवर्ड पाथ ऑफ क्लोजर क्लास टू डिवीजन टू एग्जिबिट प्रीमेच्योर इंसाइजर कॉन्टेक्ट ड्यू टू द रेट्रोक्लाइंट मैक्सिलरी इंसाइजर्स। क्लास टू डिवीजन टू में आपकी जो मैक्सिलरी इंसाइजर थे वो रेट्रोक्लाइंट थे, बोन स्केलेटल बेस की बात नहीं हो रही, उसमें स्केलेटल बेस तो फॉरवर्ड होता है बट उसकी जो टीथ की बात है ना वो रेट्रोक्लाइंट थे इंसाइजर्स। दस द मैंडिबल इज गाइडेड पोस्टीरियर टू द एस्टेब्लिश अक्लूजन। तो फिर उसमें मैंडिबल एक पोस्टीरियर की तरफ आता है, मींस कि जो फॉरवर्ड पाथ होता है ना उस पर मैंडिबुलर इंसाइजर्स लेबली जाता है और आप आर यू कैन से एंटीरियर की तरफ जाता है, और बैकवर्ड पाथ ऑफ क्लोजर में आपके मैंडिबुलर इंसाइजर पोस्टीरियर की तरफ आता है। लेटरल पाथ ऑफ क्लोजर lateral deviation of mandible to lift a right side associated with occlusal prematurities and a narrow maxillary arch. narrow maxillary arch jab ho ya koi aur occlusal maturities ho to aisi condition mein phir lateral means left side pe or right side pe wo deviate kar jate hai jab bhi normal position se habitual occlusion ki taraf jata hai. to ye hota hai evaluation of the of path of closure. case mein aap forward पाथ ऑफ एक फॉरवर्ड पाथ ऑफ क्लोजर है, फॉरवर्ड पाथ ऑफ क्लोजर में आपके जो मैंडिबुलर इंसाइजर्स होते हैं वो लेबियल चले जाते हैं और एंटीरियर की तरफ चले जाते हैं टू डेथ ऑफ द अपर इंसाइजर्स। बैकवर्ड पाथ ऑफ क्लोजर में ये पोस्टीरियर की तरफ आते हैं आपके मैंडिबुलर इंसाइजर, और लेटरल में मींस कि आप जब रिस्ट पोजीशन से हैबिचुअल अक्लूजन की तरफ जाते हैं तो वो लेटरल एक्सकर्शंस करते हैं या मैंडिबल को लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे लेकर जाते हैं। असेसमेंट ऑफ रेस्पायरेशन। ह्यूमन में एग्जिबिट थ्री टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग, नेजल, ओरल एंड ऑरोनेजल। तो उसकी असेस करने के लिए टू टेस्ट होते हैं डिफरेंट, और टेस्ट टू डायग्नोज द मोड ऑफ रेस्पायरेशन, इसमें एक मिरर टेस्ट है, कॉटन टेस्ट है एंड वाटर टेस्ट है। ये तीन किस्म के टेस्ट होते हैं जो जिसके जरिए हम असेस करते हैं रेस्पायरेशन को। एग्जामिनेशन ऑफ टीएमजे। द फंक्शनल एग्जामिनेशन शुड रूटीनली इंक्लूड ऑस्कल्टेशन and palpation of temporomandibular joint and musculature associated with the mandibular opening. The patient should be examined for the symptoms of temporomandibular joint problems such as
अब वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं जो कि मैंडिबुलर जॉइंट प्रॉब्लम्स होती है, क्लिकिंग आती है, क्रिपाइटिस आती है, पेन ऑफ द मैस्टिकेटरी मसल्स आती है, लिमिटेशन ऑफ जॉ मोमेंट, हाइपर मोबिलिटी एंड मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़, ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड है विद मैंडिबुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, द मैक्सिमम माउथ ओपनिंग इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर इंसाइजल एज विद माउथ वाइड ओपन। कहते हैं कि जब अपर और लोअर जब वाइड ओपन हो जाता है तो उसके दरमियान उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं जो कि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर इंसाइजल एज के दरमियान होता है। द नॉर्मल इंटर इंसाइजल डिस्टेंस, नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है वो तो 40 to 45 mm तक होता है। अपर इंसाइजर्स और लोअर इंसाइजर्स या अपर जॉ और लोअर जॉ को अब जब वाइड ओपन करते हैं तो अपर इंसाइजर और लोअर इंसाइजर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो नॉर्मली 40 to 45 mm तक होता है। तो अब उसमें से अगर कंडीशंस आती है या कोई एबनॉर्मेलिटीज आती है TMJ के साथ एसोसिएटेड, तो ये फिर उसकी ओपनिंग पे इफेक्ट करता है। ठीक है, इवाल्यूएशन ऑफ स्वॉलविंग, इन न्यू बॉर्न टंग इज रिलेटिवली लार्ज एंड प्रोट्रूड्स बिटवीन द गम पैड्स एंड टेक पार्ट इन द एस्टेब्लिशिंग द लिप सील। दिस काइंड ऑफ स्वॉल इज कॉल्ड इन्फेंटाइल स्वॉल एंड इज सीन टिल 1.5 ऑफ द 2 years of age। कहते कि न्यू बॉर्न में टंग लार्जर होता है और प्रोट्रूड होता है गम पैड्स के दरमियान, क्योंकि टीथ होते नहीं है तो एक प्रॉपर लिप सील बन जाता है। मैंने कहा कि लिप सील जब में जब इनकॉम्पिटेंसी आती है तो या तो वो डेंटल इंक्लाइनेशन की वजह से आती है या रिड्यूस मस्कुलर एक्टिविटीज की वजह से आती है। तो न्यू बॉर्न में ये चीज़ें नहीं होती, टीथ होते नहीं है तो अब प्रॉपर लिप सील बन जाता है। इस स्वॉल्व को हम कहते हैं इन्फेंटाइल स्वॉल एंड इज सीन एट अबाउट अप टू 2 years ऑफ एज। इन्फेंटाइल स्वॉल इज रिप्लेस बाई मेच्योर स्वॉल एज द बकल टीथ स्टार्ट इरप्टिंग। ये इन्फेंटाइल पर मेच्योर में तब कन्वर्ट होती है जब हमारे पास पोस्टीरियर टीथ और बकल टीथ की इरप्शन स्टार्ट हो जाती है। द परसिस्टेंस ऑफ इन्फेंटाइल स्वॉलविंग कैन कॉज मालोक्लूजन। अगर ये फिर हमारे पास पोस्टीरियर टीथ की डिले इरप्शन होती है तो डेफिनेटली वो परसिस्ट करेगा जो इन्फेंटाइल स्वॉलविंग होती है, और वो परसिस्ट करेगा जो कि मालोक्लूजन कॉज करते हैं। दस द स्वॉलविंग पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी एग्जामिन्ड। The persistence of infantile swallow is indicated by the presence of the following features. कहते हैं कि अगर आपके पास infantile swallowing persist हो तो ये कौन सी reasons की वजह से, आपके पास या तो protrusion of the tip of the tongue, contraction of perioral muscles during swallowing, no contact at the molar region during swallowing। हम कहते हैं कि canine or region में एक कॉन्टेक्ट होता था तो ड्यूरिंग सॉल्विंग ये कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता, या कॉन्ट्रेक्शन होता है पीरोरल मसल्स की सॉल्विंग के दरमियान या टिप ऑफ द टंग की प्रोट्रूजन की वजह से। सो ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से इन्फेंटाइल सॉल्विंग परसिस्ट करती है। स्पीच, सर्टन मालोक्लूजन में कॉज डिफेक्ट्स इन स्पीच ड्यू टू इंटरफेरेंस विद द मूवमेंट ऑफ द टंग एंड लिप्स। दिस शुड बी ऑब्जर्व व्हाइल टेकिंग विद द पेशेंट। मालोक्लूजन कॉज होती है की वजह से कुछ स्पीच डिफेक्ट्स भी आ जाती है, और ये स्पीच डिफेक्ट इसलिए आती है ड्यू टू द इंटरफेरेंस विद द मूवमेंट ऑफ द टंग एंड लिप्स। इसके दरमियान इंटरफेरेंस की वजह से द पेशेंट कैन बी आस्क्ड टू रीड आउट फ्रॉम अ बुक और आस्क्ड टू काउंट फ्रॉम 1 to 20 व्हाइल ऑब्जर्विंग द स्पीच। अगर आप स्पीच को ऑब्जर्व करते हैं तो या तो पेशेंट कहे कि आप कंटिन्यूसली रीडिंग करें बुक से या 1 to 20 तक काउंट कर लें। ऐसे कंडीशन में अगर टंग ट्रस्ट की कोई हैबिट उसको हो तो वो स्लिप हो जाएगी। अगर कोई क्लिफ पैलेट पेशेंट हो तो उसमें नेजल टोन आ जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि नोज आप नाक में बातें कर रहे हैं, तो या तो अगर क्लिफ पैलेट पेशेंट हो तो उसमें नेजल टोन आ जाएगा, अगर टंग ट्रस्ट हैबिट्स हो तो उसका भी इफेक्ट आपको नजर आ जाएगा। तो ये स्पीच को भी आप एग्जामिन कर सकते हैं इस तरह। ऑर्थोडोंटिक स्टडी मॉडल, ऑर्थोडोंटिक स्टडी मॉडल्स आर एक्यूरेट प्लास्टर रिप्रोडक्शन ऑफ टीथ एंड योर सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू। मॉडल है वही प्लास्टर से बना होता है जो कि एग्जैक्टली रिप्लिका होता है आपकी टीथ के और सराउंडिंग टिश्यूज की। देट आर एसेंशियल डायग्नोस्टिक एड्स दैट मेक इट पॉसिबल टू स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड द अक्लूजन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो इसके जरिए आप प्रॉपरली स्टडी भी कर सकते हैं एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड अक्लूजन को भी प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं।
अब उसकी यूजेस क्या है? यूजेस में आते हैं कि दे इनेबल स्टडी ऑफ ऑक्लूजन फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, क्योंकि आपके पास पूरा पूरे जाव होता है ना, अपर भी लोअर भी, तो इस मॉडल को आप प्रॉपरली स्टडी कर सकते। इनेबल एक्यूरेट मेजरमेंट्स टू बी मेड इन डेंटल आर्चेस, दे हेल्प इन मेजर्स ऑफ आर्च लेंथ, आर्च वेट, टूथ साइज, इन सारी चीज़ों को आप मेजर करें, क्योंकि वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन आर रिप्लिका होता है आपकी टीथ की, आपकी और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स की। इट हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोग्रेस बाई डेंटिस्ट एज वेल एज बाई पेशेंट, असेसमेंट में भी हेल्प करता है। हेल्प इन असेसिंग द नेचर एंड सेवियरिटी ऑफ मालोक्लूजन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मोटिवेशन ऑफ पेशेंट एंड टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट प्लान एज वेल एज द प्रोग्रेस टू पेशेंट एंड पेरेंट्स। आप मॉडल पे आप बता भी सकते हैं पेशेंट को भी, पेरेंट्स को भी, कि किस तरह हम आगे जाके उसको परफॉर्म करेंगे, तो एक मोटिवेशन मिल जाती है पेशेंट को या उसके पेरेंट्स को। मेक इट पॉसिबल टू सिमुलेट ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स ऑन कास्ट सच एज मॉक सर्जरी, आप मॉडल पे एक मॉक सर्जरी और एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं टू द पेशेंट, या एज ए प्रैक्टिस के लिए भी आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूजफुल टू ट्रांसफर रिकॉर्ड इन केस पेशेंट इज ट्रीटेड बाई अनदर क्लिनिशियन, आपके पास मॉडल है तो आप उस पर अगर परफॉर्म करें तो आप उसको ईजिली ट्रांसफर कर सकते हैं टू द अदर डेंटिस्ट, अगर आप किसी और डेंटिस्ट पे पर जाके काम करेंगे या उस पर ट्रीटमेंट लेंगे। ये होते हैं ऑर्थोडोंटिक स्टडी मॉडल्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। डायग्नोस्टिक सेटअप, इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई एच डी किसलिंग। A diagnostic setup is made from an extra set of trimmed and polished study model. The individual teeth and their associated alveolar process are sectioned off and replaced on the model base in the desired position. The diagnostic setup thus helps in simulating the various tooth movements that are planned for the patient. अब डायग्नोसिस सेटअप, क्योंकि एक हमने कहा कि इट इज एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्रिम्ड एंड पॉलिश स्टडी मॉडल, जिस पे आप उसको सेक्शन करते हैं, इंडिविजुअल टूथ को भी, पार्ट ऑफ द एल्वियुलर प्रोसेस को भी आप सेक्शन कर सकते हैं और उसको फिर रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसको दोबारा फिट भी कर सकते हैं। सो एक डायग्नोसिस सेटअप ये हेल्प करता है कि आप डिफरेंट टूथ मोमेंट्स को या जो प्लानिंग होती है फॉर द पेशेंट उसको भी प्रॉपरली आप उसको ले जाए, या आप उसको पेशेंट को भी दिखा दे, या उसके साथ जो पेरेंट्स होते हैं उसको भी दिखा दे। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, आप इसमें देख सकते हैं कि आप उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आगे आके आपको डिस्कस किया जाएगा कि इसको आप इस पॉइंट को इजीली सेक्शन कर सकते हैं और सेक्शन करके उसको रिमूव कर दे, फिर इसमें से वैक्स लगा दे और वैक्स के साथ फिर दोबारा उसको रिपोजिशन कर ले। तो रिमूव सेक्शन को रिमूव करना और फिर उसको दोबारा रिपोजिशन करना, ये इस मॉडल के जरिए पॉसिबल होता है। यूजेस क्या है डायग्नोस्टिक सेटअप की? यूजफुल इन विजुअलाइजिंग एंड टेस्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टूथ मूवमेंट्स एंड एक्सट्रक्शन ऑन द ऑक्लूजन। अगर आप एक्सट्रक्शन करते हैं या आप मूवमेंट्स को, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स के इफेक्ट्स देखते हैं, तो उसको भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। पेशेंट कैन बी मोटिवेटेड बाय सिमुलेटिंग द वेरियस करेक्टिव प्रोसीजर इन द कास्ट, आप पेशेंट को भी मोटिवेट कर सकते हैं अगर आप वही प्रोसीजर को थोड़ा सा परफॉर्म करें ऑन द कास्ट, तो पेशेंट मोटिवेट हो जाता है। टूथ साइज आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसीज कैन बी विजुअलाइज, टूथ साइज भी आप प्रॉपरली जिस तरह के हमने स्टडी मॉडल में कहा था सेम लाइक, इधर भी प्रोसीजर क्या होगा। The cast is cut using a Fritza blade to separate the individual teeth. इस instrument के जरिए आप individual tooth को separate कर सकते हैं, section कर सकते हैं। A horizontal cut आप 3 mm apically लेंगे to the gingival margin, फिर आप vertical cut लेंगे और उस individual tooth को आप separate कर सकते हैं। अब पहले आपने 3 mm apical टू द जिंजिवल मार्जिन आपने कट ले ली, फिर आपने वर्टिकल कट लेके उस पोर्शन को, उस सेक्शन को आपने सेपरेट कर दिया। द टूथ द इंडिविजुअल टीथ आर सेट इन डिजायर पोजीशन यूजिंग अ रेड वैक्स, फिर आप उसी टीथ को दोबारा अपने डिजायर पोजीशन में लेके जा सकते हैं। उसके साथ इसके लिए आपने रेड वैक्स को यूज करना है, रेड वैक्स को यूज करके उसको दोबारा रिपोजिशन कर ले, जिस तरह के इस डायग्राम में है। ये आप देख सकते हैं कि आपने इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसको सेक्शन कर दिया इंडिविजुअल टूथ को,
फिर आपने रेड वैक्स लगा के उसको दोबारा रिपोजिशन कर दिया अपनी पोजीशन पे। तो इसी तरह ही होता है। अच्छा, सप्लीमेंटल डायग्नोस्टिक एड्स। सप्लीमेंट डायग्नोस्टिक एड्स में फिर आते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फोटोग्राफ्स थे, रेडियोग्राफ्स थे, इसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट था या मशीन था। फेशियल फोटोग्राफ्स एज डायग्नोस्टिक एड्स। फेशियल फोटोग्राफ ऑफर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सॉफ्ट टिश्यू मॉर्फोलॉजी एंड फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन या सॉफ्ट टिश्यू मॉर्फोलॉजी या सेमेट्री को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट ड्यू टू दिस फेशियल फोटोग्राफ्स। बोथ एक्स्ट्राओरल एज वेल एज इंट्राओरल फोटोग्राफ्स आर यूजफुल डायग्नोस्टिक एड्स। थ्री एक्स्ट्राओरल व्यूज आर रूटीनली टेकन। फ्रंटल व्यू होता है जो कि बिल्कुल फ्रंट से आते हैं। फिर आते हैं प्रोफाइल व्यू। प्रोफाइल व्यू हमेशा आप मतलब साइड से लेते हैं, या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आप प्रोफाइल व्यू लेते हैं। एंड ओब्लिक व्यूज आप ना लेफ्ट हो ना बिल्कुल फ्रंट हो, उसके दरमियान आप ओब्लिक व्यू लेते हैं। तो ये तीन किस्म की व्यूज होते हैं, फ्रंटल व्यू, प्रोफाइल व्यू एंड ओब्लिक व्यू। एक्स्ट्राओरल फोटोग्राफ्स आर टेकन बाई पोजिशन द पेशेंट इन सच अ मैनर दैट फेशियल हाइट प्लेन इन अ पैरेलल टू द फ्लोर। द इंट्राओरल फोटोग्राफ टेकन इंक्लूड्स लेफ्ट एंड राइट लेटर व्यू, जिसको हम प्रोफाइल व्यू भी कह सकते हैं, फ्रंटल व्यू एंड मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर अक्लूजल व्यू। मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी अक्लूजल व्यू भी उसमें आ सकता है। ये इंट्राओरल है। इंट्राओरल में आप लेफ्ट साइड से भी लेते हैं, राइट साइड से भी लेते हैं, ठीक है। फिर आता है उसमें फ्रंटल व्यू भी आते हैं एंड मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर अक्लूजल व्यू भी फिर उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं फोटोग्राफ में। अब इसकी यूजेस क्या है फोटोग्राफ्स की। इट इज यूजफुल इन असेसमेंट ऑफ फेशियल सिमेट्री, फेशियल टाइप ऑफ टाइप्स एंड प्रोफाइल। अगर आपने फेशियल प्रोफाइल को स्टडी करना है, फेशियल टाइप्स को स्टडी करना है, जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया, एंड फेशियल सिमेट्री को, तो आप ट्रीटमेंट से पहले भी ले सकते हैं, जब ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद भी लेके उसको फिर कंपेयर कर ले कि क्या चेंजेस आ गई है। सर्व एज ए डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड। डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड के लिए हेल्प इन असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ द ट्रीटमेंट। या आप फोटोग्राफ ले लें और फिर उसको कोरिलेट करें जो इससे पहले ट्रीटमेंट से पहले आपने डायग्नोसिस के दरमियान जो फोटोग्राफ्स ली थी, ट्रीटमेंट के दौरान भी आप उसको लेके आप उसको कंपेयर कर ले, तो आपको प्रोग्रेस का पता चल जाएगा कि किस असेस कर सकेंगे प्रोग्रेस को ट्रीटमेंट की। इलेक्ट्रोमाइग्राफ। इलेक्ट्रोमाइग्राफ इज अ प्रोसीजर यूज फॉर रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स। द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ मसल फाइबर इज 85 to 90 mV। इलेक्ट्रोमाइग्राफ ये वो प्रोसीजर है जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल्स, आर यू कैन से मस्कुलर एक्टिविटीज को, जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिस्ट पोजीशन पे या रिस्ट पोटेंशियल पे मसल्स की, मसल फाइबर्स की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है वो 85 to 90 mV होता है। इलेक्ट्रोमाइग्राफिक इज अ मशीन। इलेक्ट्रोमाइग्राफ इज अ मशीन यूज्ड टू रिसीव, एम्पलीफाई एंड रिकॉर्ड द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग मसल एक्टिविटीज। इलेक्ट्रोमाइग्राफ इज अ रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाय सच प्रोसीजर द एक्शन पोटेंशियल पिकअप बाय द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोमाइग्राफ ये एक मशीन है जिसके जरिए हम एक्शन पोटेंशियल को मेजर करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं या मस्कुलर एक्टिविटीज के दौरान, ठीक है। तो अब ये जो एक्शन पोटेंशियल को जब हम पिक करते हैं या रिसीव करते हैं तो ये इलेक्ट्रोड्स के जरिए होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं नीडल इलेक्ट्रोड्स, एक होते हैं सरफेस इलेक्ट्रोड्स। नीडल इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जब आपके पास मसल्स डीप इनसाइड हो, ठीक है। व्हेन मसल्स आर प्लेस्ड डीप इनसाइड, फॉर एग्जांपल टेरिगॉइड मसल्स है, तो उसमें फिर नीडल इलेक्ट्रोड्स के जरिए आप करते हैं। जब आपके पास मसल सुपरफिशियल हो, विन मसल इज सुपरफिशियल प्लेस जस्ट बिलो द स्किन, तो फिर हम सर्फिस इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोमाइग्राफ में ये इलेक्ट्रोड्स के जरिए वो एक्शन पोटेंशियल को पिक करते हैं, और ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी के दौरान जब जो एक्शन पोटेंशियल है उसको पिक करना, ये इलेक्ट्रोड्स के जरिए होता है। और ये इलेक्ट्रोड्स दो किस्म की है, एक नीडल है जो कि डीप होता है डीप मसल्स के लिए, और एक सुपरफिशियल इलेक्ट्रोड्स है जो कि हम यूज करते हैं फॉर द सुपरफिशियल मसल्स। इलेक्ट्रोमाइग्राफ इज यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मल मसल्स एक्टिविटी एसोसिएटेड विद सर्टन फॉर्म ऑफ मल ऑक्लूजन।
In severe class 3 division 1 malocclusions, the upper lip is hypofunctional. Thus, during swallowing, the lower lip extend upward and forward to place the force of maxillalabially, and a strong mentalis activity is seen. Electromyograph can be used to study such a condition. कहते हैं कि जितनी भी अगर आपके लोअर आपके लिप्स इन्फ्लुएंस होते हैं ड्यू टू स्वाल्विंग ड्यूरिंग स्वाल्विंग या उस पर फोर्स आते हैं या नॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटीज़ या एबनॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटीज़ चाहे जौन सी भी कंडीशन में हो तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम इलेक्ट्रोमाइग्राफ यूज़ करते हैं. एबनॉर्मल वैक्सीनेटर एक्टिविटी इन क्लास टू डिविजन वन और क्लोजर ऑफ द जॉ इज एसोसिएटेड विद द एसेंचुएटेड टेम्पोरेलिस मसल्स एक्टिविटी. Children with cerebral palsy, electromyograph can be carried out after orthodontic therapy to see if the muscle balance is achieved or not. अगर कोई muscular disturbance है या equilibrium disturb हो गया तो उसको इसके treatment के बाद भी आप उसको observe कर सकते हैं कि आया हमने जो muscle balance को achieve करना था वो achieve हो गया कि नहीं, तो उसके लिए भी आप electromyograph use कर सकते हैं. फिर radiographs used in orthodontic diagnosis. Radiograph ये वो रेडियोग्राफ्स है जो कि आप सर्जरी में भी पढ़ते हैं, आप हर एक सब्जेक्ट में और आपका अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी है, तो इसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं. रेडियोग्राफ्स रूटीनली यूज फॉर डायग्नोसिस इन ऑर्थोडोंटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इंट्राओरल रेडियोग्राफ्स एंड एक्स्ट्राओरल रेडियोग्राफ्स. इंट्राओरल रेडियोग्राफ्स में हमारे पास आ जाती है तीन चार किस्म की, वो आगे बताऊंगा अभी. अब इंट्राओरल पेरिएपिकल रेडियोग्राफ, there are radiographs that are used to view the teeth and their supporting structure. Two intraoral techniques are used for the periapical radiographs, paralleling technique and bisecting angle technique. Risky uses kya hai, to confirm the presence or absence of teeth, to establish presence or absence of supernumerary teeth, extent of calcification and root formation of teeth, to study the annular bone and periodontal ligament, to determine size and shape of unerupted teeth, and to assess axial inclination of the root. So for these reasons we are using intraoral periapical radiograph. Disadvantage kya hai ki assessment of entire dentition requires too many radiographs. Iski periapical radiographs ki ye ek disadvantage hai ki agar aapne pure entire dentition ki assessment karni hai to aapko phir multiple radiographs करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पेरिएपिकल में आप 1 to 2 टीथ से ज्यादा नहीं ला सकते. दे कैन नॉट बी यूज इन पेशेंट विद हाई गैग रिफ्लेक्स एंड ट्रेसमिस. डिसएडवांटेजेस, लो रेडिएशन डोज, सॉरी एडवांटेजेस, लो रेडिएशन डोज, एक्सीलेंट क्लैरिटी ऑफ टीथ एंड दियर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, पॉसिबल टू ऑब्टेन लोकलाइज व्यू ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट. ये लोकलाइज व्यू के लिए आप यूज कर सकते हैं, जनरलाइज के लिए आप यूज नहीं करते. अगर जनरलाइज करेंगे पूरे डेंटिशन को तो फिर आपने मल्टीपल पेरिएपिकल रेडियोग्राफ्स करनी होगी. पेरिएपिकल इसके अलावा बाइट फिंगर रेडियोग्राफ्स आते हैं इसमें, इसके अलावा अक्लूजल रेडियोग्राफ्स आते हैं जो कि इंट्राओरल रेडियोग्राफ्स होते हैं. फिर एक्स्ट्राओरल रेडियोग्राफ्स में दो किस्म के हैं, एक पेनारोमिक रेडियोग्राफ है, एक सेफेलोमेट्रिक रेडियोग्राफ है. अदर इसके अलावा अदर रेडियोग्राफ्स भी यूज होते हैं, हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ, जीरो रेडियोग्राफ, डिजी रेडियोग्राफ, एमआरआई, कंप्यूटर कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसमें सीबीसीटी आती है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज अ सेशन अबाउट ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस. थैंक यू वेरी मच.